Hey guys, welcome back to my channel. और मैं हूँ आराधना. फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल बॉलीवुड रेप्लिका साड़ी का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ. और फ्रेंड्स, मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, बिकॉज ये साड़ी जैसा कि डिस्प्ले में मैंने देखा था बिल्कुल मुझे वैसे ही रिसीव है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. मैं वेट नहीं कर सकती कि मैं आप लोगों को बताऊं कि कैसी है वो साड़ी. साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे साड़ी कैसी रिसीव हुई है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, डिस्प्ले में एक बॉलीवुड रेप्लिका साड़ी है. शायद मेरे ख्याल से करिश्मा कपूर का रेप्लिका है ये. मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, बिकॉज उसमें फेस क्लियर नहीं दिख रहा था, तो शायद ये करिश्मा कपूर का रेप्लिका है. और साड़ी जो है वो ऑफ वाइट कलर की है. नेट की है, नेट की क्वालिटी डैम ऑसम है. मोनोनेट प्रोवाइड किया है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है. और ये देखिए फ्रेंड्स, साड़ी जो है वो कुछ इस तरह से है. ये तो हमारी जो हम कवर करते हैं वेस्ट लाइन पे, ये वो पार्ट आ जाएगा और यहाँ से हमारी साड़ी स्टार्ट हो जाती है. और पूरी साड़ी पे देखिए हमें इस तरह का ये थ्रेड एम्ब्रॉयडरी मिल रहा है, जस्ट लाइक जैसे लखनवी वर्क हम कहते हैं. बहुत सारे लखनवी कुर्ती पे आपने देखा होगा जो लखनवी वर्क होता है समथिंग, ये कुछ इस तरह का थ्रेड वर्क किया हुआ है. क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही प्यारी है. मतलब मैं इसकी कितनी तारीफ करूँ उतनी कम है. साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर है. ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा इस तरह से हमें ये एम्ब्रॉयडरी मिल रहा है. और बॉटम में हमें इस तरह से ये बॉर्डर मिल रहा है, जिसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि सीक्वेंस का वर्क है. क्वालिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड की है. ओवरऑल एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, कहीं से भी कोई थ्रेड निकला हुआ नहीं है. और पूरे साड़ी पे हमें इस तरह से सीक्वेंस के बूटे भी लगे हुए मिल रहे हैं, ये देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है. अपर से बिल्कुल प्लेन है और यहाँ पे बॉटम में हमें इस तरह का ये सीक्वेंस वर्क मिल रहा है. और नीचे हमें इस तरह से ये हैवी एम्ब्रॉयडरी मिल रही है, फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ है. और देखिए इसके ऊपर भी हमें ये सीक्वेंस लगे हुए मिल रहे हैं. आई डोंट नो कि कैमरा उसे ठीक से कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, बट आप लोग देख सकते हैं कि फ्लावर्स पे भी सीक्वेंस वर्क किया है. और बॉटम में हमें इस तरह से ये हैवी सीक्वेंस वर्क मिल रहे हैं. और पूरी साड़ी ये भरी हुई है इसी तरह से बॉटम में, लाइक दिस. ये देखिए इस तरह से यहाँ से हमारा ये पल्लू का पार्ट स्टार्ट हो जाता है. और यहाँ पे हमें ये दोनों तरफ ये बॉर्डर मिल रहा है, जो हमारे स्लीव्स पे आएगा वो, और बॉटम में इस तरह से ये देखिए ये बॉर्डर मिल रहा है हमें. और यहाँ पे हमें पूरा ये बूटा वर्क मिल रहा है सीक्वेंस वाला, लाइक दिस. और फिर बाद में एंड ऑफ द साड़ी पे अगेन हमें सेम वही बॉर्डर मिल रहा है बॉटम में, जैसा कि हमारे साड़ी के बॉटम में बना हुआ है वैसे ही हमारे ये पल्लू पे बना हुआ है. ये देखिए फ्रेंड्स, लाइक दिस. साड़ी पहनने पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी और किसी भी वेडिंग फंक्शन के लिए ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है. कोई न्यूली मैरिड लड़की अगर इस साड़ी को पहनेगी तो डेफिनेटली उसके ससुराल में तो कॉम्प्लीमेंट की लाइन लग जाएगी उसके लिए. सैटिन का इनर, इसकी भी क्वालिटी उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की है और इसकी लेंथ उन्होंने काफ़ी अच्छी खासी प्रोवाइड की है, तो जो अगर डबल एक्सल वर्क का साइज़ वाला भी होगा तो उसे भी आ जाएगा, ये देखिए. और काफ़ी अच्छा थिक मटेरियल है, ऐसा नहीं है कि कोई चीप मटेरियल है, काफ़ी अच्छा खासा थिक मटेरियल है, ये देखिए. और इसकी भी लेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. ब्लाउज का जो मटेरियल मुझे रिसीव हो रहा है वो कुछ थ्री पार्ट्स में रिसीव हुआ है, मीन्स फ्रंट एम्ब्रॉयडरी, बैक एम्ब्रॉयडरी और हैंड स्लीव्स की अलग एम्ब्रॉयडरी. ये ब्लाउज का फ्रंट का पार्ट है, राउंड नेक पैटर्न में बना हुआ है. इस पर भी सेम वही एम्ब्रॉयडरी मिल रही है थ्रेड वाली. और इस पर भी देखिए सीक्वेंस वर्क किया हुआ है. इसका जो मटेरियल है ये सिल्क का मटेरियल है, क्वालिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड की हुई है, ये देखिए. और ये पूरा फ्रंट में हैवी एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ है. अलग से हमें और रिसीव हो रहा है, ये फ्रंट में यूज़ होगा या बैक में यूज़ होगा एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, और दोनों वाला कौन सा पार्ट है. ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी पूरा राउंड नेक पैटर्न में बना हुआ है और इस पर भी सीक्वेंस वर्क है. शायद ये फ्रंट वाला पार्ट हो, मे बी, आई एम नॉट श्योर फ्रंट वाला कौन सा बैक वाला कौन सा है, एक बार डिस्प्ले में देखना होगा. ये देखिए इस तरह से. और हैंड स्लीव्स, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मॉडल ने फुल हैंड स्लीव्स पहना है, तो ये देखिए हमें फुल हैंड स्लीव्स में ये इस तरह से हैवी एम्ब्रॉयडरी मिल रही है, सेम वही थ्रेड एम्ब्रॉयडरी और फुल ऑफ सीक्वेंस वर्क. ये देखिए फुल ऑफ सीक्वेंस वर्क है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, कहीं से भी कोई थ्रेड निकला हुआ नहीं है. ओवरऑल एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग सब कुछ बहुत अच्छी दी हुई है. फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख ही लिया कि पहनने के बाद ये साड़ी कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है, और डेफिनेटली ये साड़ी तो हमारे वार्डरोब कलेक्शन में होनी ही चाहिए. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. टिल देन, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.